मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। जो कुछ मैंने आपको समझाया वही बात आप अपने पड़ोसी को समझाएं, और रोज अगर किसी एक व्यक्ति को आप ये बात समझाएंगे तो एक साल में हर व्यक्ति 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचाएगा, और वो 365 परिवारों में कौन जाने दूसरा राजीव दीक्षित पैदा हो और इस देश के हजारों घरों तक वो मैसेज जाए। घर घर में, गांव गांव, गली गली में ये संदेश पहुंचाने की जरूरत है, और ये संदेश पहुंचाने का काम आपको करना है। लेकिन आज आपसे एक विशेष संदर्भ में संवाद करने आया हूं। मैं महात्मा गांधी के गांव से महात्मा गांधी का संदेश लेके आया हूं। महात्मा गांधी का गांव सेवाग्राम है, वर्धा जिले में, मैं वहीं रहता हूं। गांधी जी का आश्रम मेरा निवास स्थान है, वहां से एक संदेश लेकर विशेष संदर्भ में आया हूं। वो संदेश ये है कि जब आजादी मिलने का समय तय हो गया और अंग्रेजों ने ये घोषणा कर दी कि वो भारत छोड़कर चले जाएंगे, तो उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी जो भारत का सबसे प्रमुख व्यक्ति था, जिसका नाम था माउंटबेटन, उसने गांधी जी को एक मुलाकात लिया, भेंट किया। ये घटना है सन 1946 की, और महीना था दिसंबर का। गांधी जी को माउंटबेटन ने एक प्रश्न पूछा, बहुत गंभीर प्रश्न था। उसने कहा कि बापू, अभी भारत आजाद हो जाएगा, अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे, तो आपके मन में सबसे पहला कौन सा काम है जो आप करेंगे भारत में? अंग्रेजों के जाने के बाद, अंग्रेजों की सरकार चली जाने के बाद, आप कौन सा ऐसा काम है जो सबसे पहले करना पसंद करेंगे? मान लो कि हम सब चले गए अंग्रेज, अब आप बताएं कि क्या करेंगे? राजकारण ठीक करेंगे, अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे, भारत के नेताओं को जो नैतिक रूप से कमजोर हैं उनको दुरुस्त करेंगे, शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे, क्षेत्रीय व्यवस्था में काम करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले? गांधी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सरकार जाने के बाद मैं कलम की पहली नोक से भारत के सब कत्ल खाने बंद कराऊंगा। सबसे माउंटबेटन को बहुत आश्चर्य हुआ, उसको आश्चर्य हुआ कि यह क्या उत्तर दिया है इन्होंने। उसको अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा उत्तर गांधी जी से मिलेगा। उसने फिर प्रश्न किया, बापू, कत्ल खानों की जो समस्या है भारत में, इससे भी ज्यादा बड़ी कई समस्याएं, गरीबी की है, बेरोजगारी की है, भूखमरी की है। भारत देश में उस जमाने में आप जानते हैं हिंदू मुसलमानों के दंगे हो रहे थे, वो एक बड़ी समस्या है, सांप्रदायिकता की समस्या है। तो आप इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को छोड़कर, और संभावना उस समय ये हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान बनेगा ये लगभग तय हो गया था, लेकिन गांधी जी ने उसे स्वीकार नहीं किया था, और गांधी जी ने घोषणा कर रखी थी कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा, माने मैं पहले मरूंगा बाद में पाकिस्तान बनेगा। तो माउंटबेटन ने फिर प्रश्न दोहराया अपना कि इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं भारत में हैं, उनको छोड़कर आप ये कत्ल खाने बंद कराएंगे, ये तो बहुत छोटी सी समस्या है। गांधी जी ने उससे भी बड़ा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, देखो माउंटबेटन, मेरे लिए भारत में कत्ल खानों का चलना सबसे बड़ी समस्या है, और अगर अंग्रेज ये कहें, अंग्रेजों के लिए वो कह रहे हैं कि अगर अंग्रेज ये कहें कि भारत की आजादी और कत्ल खानों के बंद होने के दोनों में से गांधी जी कोई चुनाव करें, तो माने अंग्रेज अगर मुझको ये कहें कि या तो भारत की आजादी ले लो या कत्ल खाने बंद करा दो, तो मेरा चुनाव होगा कि कत्ल खाने पहले बंद होने चाहिए, आजादी बाद में आ जाएगी। फिर माउंटबेटन ने आखिरी बार एक और बात पूछ लिया कि आपको ऐसा लगता है क्या बापू, ये कत्ल खानों के बंद हो जाने से भारत की सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा? तो गांधी जी ने कहा, देखो, सब समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा ये मैं जानता हूं, लेकिन कत्ल खानों के बंद होने से सारी समस्याओं के समाधान का रास्ता खुल जाएगा, और जब तक ये कत्ल खाने चलेंगे भारत की किसी भी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। ये बात गांधी जी और माउंटबेटन के बीच की है। बाद में माउंटबेटन ने कहा, ये मैं व्रत पत्र में दे दूं छापने के लिए? गांधी जी ने कहा, दे दो, और भारत से अच्छा है लंदन में दे दो।
तो लंदन के कई अखबारों में गांधी जी की यह मुलाकात छपी। बाद में गांधी जी को इंटरव्यू लेने के लिए और भी बहुत सारे लोग आए लंदन से, और कई कई तरह के सवाल उन्होंने गांधी जी को पूछे। सबका उन्होंने एक ही जवाब दिया कि अगर मुझे आजादी और पशुओं की रक्षा में से कुछ चुनना पड़े तो मैं पशुओं की रक्षा को पहले चुनूंगा, आजादी तो बाद में आती रहेगी, क्योंकि आजादी तो हमें उसी दिन मिल जाएगी जिस दिन हमने हमारे पशुओं को बचाने का काम शुरू कर देना। इस तरह की बात कहने वाले महात्मा गांधी अब इस देश में जीवित नहीं है, लेकिन हम हिंदुस्तानी मानते हैं कि उनकी आत्मा को हम कोई सच्ची श्रद्धांजलि दें तो उनके इस बात को याद करें कि गांधी जी के जाने के बाद क्या हुआ इस देश में। जो महात्मा गांधी कहते थे कि कलम की एक नोक से मैं सारे कत्लखाने बंद करा दूंगा, वो महात्मा गांधी के विचार का क्या हुआ इस देश में। गांधी जी 30 जनवरी 1948 को चले गए, उनकी हत्या हो गई, उसके बाद क्या हो गया इस देश में। उसके बाद इस देश में हो ये गया कि गांधी जी के मरने के साथ ही उनका विचार भी मार डाला गया।